नमस्कार दोस्तों, मैं सत कुमार चाचा स्वागत करता हूँ आपका डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में। सबसे पहले मैं आपका बोला हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आप इस सर्दी में ठंडवे दिन दूर से चल के आए हैं, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक था बहुत ही अच्छा था कि हमें अपने को कैसे फिट रखना है, कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आजकल की जो जनरेशन है आप देख रहे हो, बिल्कुल भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है, अपना अधिकतर समय मोबाइल में खर्च कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है अपने आप को हम कैसे फिट रख सकते हैं, हमारी दिनचर्या क्या है। हमारे पास में पूरे दिनचर्या हमारे शेड्यूल होना चाहिए कि हमें किस टाइम उठना है, किस टाइम हमें क्या खाना है, किस टाइम हमें सोना है और किस टाइम हमें अपना फिजिकल वर्कआउट करना है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, डिसिप्लिन इज मस्ट। यदि आप डिसिप्लिन हो तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। और बस मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि सुबह जल्दी उठो और अपना डेली का जो डाइट चार्ट है, फिजिकल चार्ट है, जो रीडिंग है, जो अपना एक पूरा शेड्यूल तैयार करो पूरे दिन का और उसे कोशिश करो फॉलो करने की। वास्तव में ये कहना चाहूँगा यदि आप 40 साल के भी हैं तो आप 25 साल के दिखोगे। दिस इज फैक्ट, दिस इज रियल। आज का युवा 25 साल का भी 40 का दिखने लगा है। रीजन लेट सोता है, खान पान पर ध्यान नहीं है, सारी क्रियाएं नहीं करता। आपका यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उनसे कर सकते हैं। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है सर, आज का जो युवा है वो ड्रग्स के पीछे बहुत भाग रहा है अपने प्रदर्शन बढ़ाने के लिए, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है डॉक्टर सुमित कोहली जी ने। आजकल का युवा ड्रग्स के पीछे जा रहा है, यहाँ तक कि जो आजकल की जो नई जनरेशन है, जो युवा है, स्पोर्ट्स के प्रति जागरूक है बेसिकली। ये क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या है, अब मैं वो सपोज करो मैं किसी एथलीट हूँ, किसी कोच के पास जाऊँगा ट्रेनिंग के लिए। अब वो कोच क्या है, वो अनक्वालिफाइड है, उसे खुद ही नहीं पता कि मैं बच्चों को क्या करा रहा हूँ। बच्चे कोच को उस बारे में नॉलेज नहीं चाहती। मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस यहाँ से एकदम ना आए, तो बच्चों को बहुत सारे ड्रग्स एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है, फर्टिलिटी युवा को उस बारे में जानकारी नहीं होती। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी एथलीट कभी ड्रग्स का सेवन ना करे, देसी डाइट खाए, देसी रूटीन फॉलो करे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लेंगे लेकिन रियल यही है, आपके जान से बढ़कर कोई भी मेडल नहीं होगा, आप अच्छा करेंगे। सर एक क्वेश्चन हो रहा है कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डायबिटीज और अस्थमा बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, इसका क्या कारण है? एक इसका कारण मैंने यही बता दिया कि आजकल क्या डायबिटीज, अस्थमा, सारी हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है अगर वे सही से वर्क नहीं करते, जो हमारे अंदर की जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वे प्रॉपर नहीं हो पाते, तो इस कारण से ये बहुत सारी बीमारियाँ हमारे शरीर को घेर लेती। आप सभी अपने इतने कीमती समय निकाल कर यहाँ पहुँचे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस संगोष्ठी में शामिल हुए, सेमिनार में हुए, आशा करता हूँ आप आगे भी इसी प्रकार अपने ज्ञान का ज्ञानवर्धन करते रहेंगे।